दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में सभी का स्वागत है। जी सचवाला जी, आदाब। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं? जी सर, ये स्टार्ट में मेरी आवाज आ रही है? म्यूजिक है, ये जो म्यूजिक जी है टाइटल म्यूजिक, तो उसकी जी आवाज आपको ठीक से आ रही है क्या ये स्टार्ट करने के बाद? हाँ, आवाज तो आ रही है। जी आवाज आ रही है, क्यों आपको नहीं आई आवाज? नहीं, मुझे 2-3 वक्त से वो आवाज नहीं आ रही टाइटल अच्छा म्यूजिक अच्छा की, पता नहीं क्या। ठीक है, कोई इशू अच्छा नहीं। अच्छा ठीक है सर, सूरह मायदा की आज 107 है ना? जी आयत नंबर आज हम 107 का मुताला करेंगे। अच्छा, इस आयत में भी वो पहली वाली आयत ही का कनेक्शन है, और फिर इसके बाद वाली आयत में भी वो उस पहली वाली आयत का ही कनेक्शन है। अच्छा, आपने देख लिया कि वो जो आयत है 106, आयत नंबर 106, उसमें जो कुछ कहा गया आपने ये भी गौर कर लिया कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है और प्रैक्टिकली ऐसा कहीं भी नहीं होता। वही जो कहा गया ना कि यानी अहले ईमान को खिताब करके आयत नंबर 106 में कि जब तुम्हारे पास जब जो है तुम में से किसी उनका समय को करीब हो। मौत, जी किसी को मौत का जो है वक्त आ जाए, किसी की मौत का वक्त आ जाए और वो वसीयत कर रहा हो, मौत का वक्त करीब आ जाए तो वसीयत कर रहा हो, तो आम तौर पर क्या होता है, आदमी के जो है जब कोई बीमार पड़ जाता, कोई इस तरह की हालत है, तो वो अस्पताल में होता या आईसीयू में होता, तो वसीयत करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वसीयत करना क्या है, यानी यही ना कि मान लो वो आदमी के कुछ 4-6 मकान हैं, तो कही कह रहा है कि जो है फला वाला मकान फला बेटी को दे देना, फला वाला मकान जो है फला बेटी को दे देना, यही कहेगा और क्या कहेगा। ये अजीब सी बात है कि ऐसे मौके पर लोग जो है ये पूछने बैठ जाएं कि भाई वसीयत क्या है, जल्दी वसीयत करो। और वसीयत करवाने का मतलब यह है कि अब वो शख्स की मौत जो है आनी आनी है, तो नहीं मरने वाला भी जो है वो मर जाएगा। अच्छा, ये एक रेयर सिचुएशन है, लेकिन उससे ज्यादा इसमें जो है उसमें जो बात कही गई वो ये कि दो आदिल आदमियों को पकड़ के लाना जी, और आदिल आदमी या फिर उसमें दूसरा ऑप्शन ये दिया गया कि कोई आदिल आदमी काफिर भी हो, यानी तुम्हारे गैर, तुम तो मोमिन है ना, गैर मोमिन भी हो सकता, ये भी कह रहे हैं, औ आखरानी मिन गैरिकुम। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब वो गैर मोमिन को जो है पकड़ के डालिए, और तुम जो है इन अंतुम दरब तुम फिल अर्दी फासाबत कुम मुसीबतुल मौत, तुम जो है कहीं सफर की हालत में हो और तुमको मुसीबत, मौत की मुसीबत मुसीबत आ पहुंचे, मौत की मुसीबत आ पहुंचे, तो क्या करना है तुमको, उन दोनों को पकड़ के रखना। किसको? जो वो जो दो आदिल आदमी को तुम जो है पकड़ के जो लेके आए हैं उनको पकड़ के रखना। अच्छा, कब तक? नमाज के बाद तक। और उनसे यह कसम लेना कि अल्लाह की जो है कसम खाकर जो है उनसे कसम लेना। अच्छा, भी जो जो गैर मोमिन है, जो काफिर है, वो अल्लाह की कसम क्यों खाएगा? और उसका नमाज से क्या लेना देना, उसको नमाज तक के बाद तक रुकने के लिए पकड़ के क्यों रखना? ये अजीब सी बातें, ये सारी बातें जो है ये यानी हर हर जाविये से इसमें फजूल एक जो है एक 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 अजीब बात कही गई। अच्छा, उसके बाद फिर उसी बात का कंटिन्यूएशन आयत नंबर 107 में किया जा रहा है। فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ। लेकिन अगर पता चल जाए कि इन दोनों ने अपने आप को गुनाह में मुब्तिला किया है, तो फिर उनकी जगह दो और शख्स जो उनकी बनिस्बत शहादत देने के लिए ज्यादा अहल हों, यानी जिनके अंदर अहलियत ज्यादा हो, और उन लोगों में से खड़े हों जिनकी हक तलफी हुई हो, और वो अच्छा बात, आप जरा देखिए सिचुएशन यानी शदीद से शदीद तर होती जा रही। वो मामला पहले जरा कम गंभीर था, अब ये इस आयत में और ज्यादा गंभीर हो गया। वो कैसे? पहले ही आपको दो आदिल आदमी नहीं मिलते, दो आदिल आदमी मिलना मुश्किल है ना भाई, अगर मिल भी जाए या अगर नहीं भी मिले तो जो है दो दो काफिर आदिल दो दो काफिर आदमियों को पकड़ के डालिए सुनो। लेकिन फिर आपको डाउट हो गया कि यार जो है वो सही काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको फिर क्या करना है, वो दो आदिल आदमियों को छोड़ देना है, उनकी जगह पर एक और दो आदिल आदमी उनसे ज्यादा जो है जो अच्छे हैं उनको पकड़ के लाना। अब कैसे पकड़ के लाएंगे भाई, आदिल आदमी कैसे रहते हैं, जो है मतलब कैसे पहचानेंगे, कैसे एक शख्स मरने के करीब आ गया है, तो अब ये सारी कहानी मतलब जो जो बताया जा रहा था कि ये सब कुछ करना है मोमिनों को, मोमिनों को ये सारे काम करना है, आप समझ रहे बात को।
अच्छा उसके बाद फिर कहा गया और वो खुदा की मोमिनों में, मोमिनों में आदिल लोग रहते थे, लेकिन अब ठीक है भाई आदिल रहते या नहीं रहते लेकिन अल्लाह मियां तो ऐसा कह रहे हैं ना। अच्छा उसके बाद और वो अल्लाह की कसम खाकर कहें, अच्छा अल्लाह की कसम तो पहले भी खा लिया ना वो लोग, उसके बाद फिर आपको डाउट हो गया अरे यार ये अल्लाह की कसम खाने के बाद भी सही नहीं है, तो अब उनको छोड़ना फिर दूसरे और दो लोगों को पकड़ के लेके आना, फिर उनसे भी अल्लाह की कसम लेना। अच्छा वो अल्लाह की कसम जी वो जो दो लोग हैं सच वाला जी वो तो मुस्लिम नहीं है तो उन्हें अल्लाह की कसम खाना। अब देखिए भाई अभी मुस्लिम नहीं है तो उन्हें नमाज तक क्यों रुकना है, जबकि यहाँ पर मौदूदी साहब मस्जिद की बात कर रहे हैं, जो उन्हें अगर है काफिर है या गैर मोमिन है तो उन्हें मस्जिद के अंदर क्यों जाएंगा भाई, उन्हें नमाज तक इंतजार क्यों करेंगे और उन्हें अल्लाह की कसम क्यों खाएंगा, क्यों खाएंगा बताओ। आप सोच रहे आप गौर कीजिए कैसी बातें हैं कुरान में, और ये सारे अहकाम हैं, ये सारे क्या हैं, ये अल्लाह के अहकाम हैं। यानी अब ये इस तरह की बातें कहकर अल्लाह मियां यानी मोमिनों को जो है वार्न कर रहे हैं कि ये मेरे अहकाम हैं जिनको मैं खोल खोल कर बयान कर रहा हूं। अच्छा अब उसके बाद फिर ये कहा गया कि और वो अल्लाह की कसम खाकर कहें कि हमारी शहादत उनकी शहादत से ज्यादा बरहक है, वो किसकी शहादत से, तो पहले जो दो आदिल आदमी थे ना हम उससे ज्यादा जो है आदिल है, पहले वाले दो इंसान ज्यादा आदिल नहीं थे अब ये ज्यादा आदिल है, आप समझ रहे बात को आपके। तो अब ये अच्छा इनको गवाही देना है, गवाही क्या देना है, नहीं पहले वाले जो दो आदिल आदमी थे ना वो जो है वो ज्यादा हक पर नहीं है, हम ज्यादा हक पर है, ये इसकी गवाही देना है लोग, यानी हमारी शहादत उनकी शहादत से ज्यादा बरहक है और हमने अपनी गवाह अपने गवाह गवाही में कोई ज्यादती नहीं की, और हमने अपनी गवाही में कोई ज्यादती नहीं की, अगर हम ऐसा करें तो हम जालिमों में से होंगे। अच्छा पहले गुनाहगारों में से थे अब जालिमों में से हो जाएंगे, तो इसलिए हम जो है ज्यादा हम ज्यादा बरहक हैं, हम ज्यादा हम उनसे बड़े आदिल हैं, आप समझ रहे हैं सिचुएशन को, यानी कुरान कैसी बातें करता है, गौर कीजिए आप नाजुक सूरत हाल है। अच्छा इसमें जो है मौदूदी साहब कोई फुटनोट भी नहीं दे रहे हैं, हिंदी में क्या कह रहे हैं हजरत, ये हिंदी तो मैं हाँ पढ़ लिया था फिर पढ़ता हूँ, है ईमान वालों यदि किसी के मर्द का समय हो, नहीं नहीं वो नहीं वो नहीं आपके समय सुनिए सुनिए ये 107 को पढ़ना है आपको 107। अच्छा ठीक है अभी हमने 107 पढ़ रहा है ना। हाँ फिर यदि ज्ञान हो जाए कि वे दोनों साक्षी किसी पाप के अधिकारी हुए हैं तो उन दोनों के स्थान पर दो अन्य गवाह खड़े हो जाएं, उनमें से जिनका अधिकार पहले दोनों ने दबाया है और वे दोनों शपथ ले कि हमारी गवाही उन दोनों की गवाही से अधिक सही है और हमने कोई अत्याचार नहीं किया, यदि किया है तो निसंदेह हम अत्याचारी हैं, यहाँ कह रहे हैं हम अत्याचारी हैं। नहीं भाई पहले वाले भी गवाही दिए और वो भी अल्लाह की गवाही दे रहे हैं, दूसरे वाले भी अल्लाह की गवाही दे रहे हैं, तो अब ये कैसे पहचान, मतलब आपके पास क्या क्राइटेरिया है, क्या वो कौन सी कसौटी है जिससे जिस पर आप परख कर देख सकें ये बाद वाले जो है वो ज्यादा बरहक है पहले वाले बरहक है, कैसा इसका फैसला कैसा होगा बताओ, कैसे होगा, कसम तो दोनों खा रहे हैं, पहले वाले दो आदिल भी वो भी कसम खा रहे हैं, बाद वाले आदिल भी जो है कसम खा रहे हैं, देखें जरा यानी अल्लाह मियां का अंदाज, अल्लाह मियां की बात करने का तरीका जरा देखें आप गौर करें। अच्छा आयत नंबर 108 में कहा गया ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ। अच्छा इस तरीके से ज्यादा तवक्को की जा सकती है कि लोग ठीक ठीक शहादत देंगे, यानी सारी बातें शहादत पे हो रही गवाही पर। अच्छा गवाही देने वाला हर कोई अपने आप को आदिल बोल के आ रहा और हर कोई जो है अल्लाह की कसम खा के जो है गवाही दे रहा, अरे यार ये क्या क्या तरीका, यानी कैसा जो है तरीका देखें आप। अच्छा ये सारे काम कब करना है, एक आदमी मर रहा है तब करना है, सुनो अरे यार ये सारा काम मुमकिन नहीं है, अमलन ये मुमकिन ही नहीं कि किसी मरते आदमी के सामने उसके हिस्से बकरे करेंगे, उसके सामने हिस्से बकरे करेंगे, पहले दो आदिल आदमी आएंगे फिर उनके जो है झगड़े शुरू हो जाएंगे, फिर उसके बाद और दो आदिल आदमियों को पकड़ के लाना है, फिर उनके जो है इन दोनों के झगड़े शुरू हो जाएंगे, पहले वाले बोलेंगे हम ज्यादा बरहक है, बाद वाले बोलेंगे नहीं हमारी कसम ज्यादा बड़ी है, अरे यार ये क्या क्या जो है एक मछली बाजार बना के रखा है। अच्छा तो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से ज्यादा तवक्को की जा सकती है कि लोग ठीक ठीक शहादत देंगे, कैसे क्या तरीका बता रहे हैं अल्लाह मियां,
कौन से तरीके से ज्यादा बेहतर मतलब शहादत देंगे। अच्छा फिर ये यहां पर ये बात आ गई है औ कहा गया, यानी मतलब यह है कि या कम से कम इस बात ही का खौफ करेंगे कि उनकी कस्मों के बाद दूसरी कस्मों से कहीं उनकी तरदीद ना हो जाए। अल्लाह से डरो और सुनो, अल्लाह नाफरमानी करने वालों को अपनी रहनुमाई से महरूम करता है। अच्छा अब आप जरा गौर कीजिए कि अल्लाह के बयानात में औ का हर्फ अत्फ बार बार आता है, यानी जहां भी अल्लाह मियां एक बात कर रहे हैं, एक जगह उन्होंने कहा कि ऐसा करो तो उसी वक्त फिर यह हुक्म दे रहे नहीं या ऐसा करो या ऐसा करो। अच्छा अब यहां पर जो है जो औ आया है ना, यानी इस तरीके से ज्यादा तवक्को की जा सकती है कि लोग ठीक ठीक शहादत देंगे या कम से कम इस बात ही का खौफ करेंगे कि उनकी कस्मों के बाद दूसरी कस्मों से कहीं उनकी तरदीद ना हो जाए। यानी इसका मतलब ये दोनों में से कोई एक बात सही है, इसका मतलब अल्लाह मियां जो है कोई एक बात सही नहीं कह सकते, उन्हें अल्लाह मियां हमेशा औ का सहारा लेंगे, या तो वो या तो वो या तो यो। यानी फिर एक तरफ दावा भी है कि अल्लाह जो है अलीमुल खबीर है, अल्लाह अल्लामुल गुयूब है, हर चीज को जानने वाला है। अरे भाई जब हर चीज को जानने वाला है तो औ का जो है इस्तेमाल क्यों करता है अल्लाह, औ का इस्तेमाल इंसान करते हैं ना, औ का मतलब या। भाई देखें मैं कंफर्म नहीं हूं, मैं एक मशवरा दे रहा हूं, अब उस मशवरे में जो है मेरा अंदाजा ऐसा है कि शायद यह मशवरा ठीक हो जाए, तो उसके बाद फिर मैं कहता हूं कि जो है अगर वैसा नहीं तो ऐसा करो, तो इसका मतलब ये मैं इंसान होने जी वो अंदाजा तजुर्बा की जिंदगी की बुनियाद पर है, तो अल्लाह की तो पूरे कायनात का बनाने वाला है, उसके पास अंदाजा क्यों होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए वो कैसा है। जी हाँ, यानी एक तो अंदाजा है और दूसरा जब अल्लाह मियाँ किसी को हुक्म देते हैं तब भी वो औ का इस्तेमाल करते हैं, यानी मतलब अल्लाह मियाँ किसी को हुक्म दे रहे हैं तो हुक्म के मामले में भी कंफर्म नहीं है। यानी ये बात बिल्कुल ऐसी है कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक मालिक अपने एक नौकर को बुला लिया, अरे राजू इधर आ, तो बेचारा वो आ गया, आके जो है वो ढीला पैजामा पहन के आ गया, ढीला डाला बेचारा जो है घर में मुलाजिमत करने वाला है, तो वो आके जो है ठीक है राजू तू ऐसा कर, वो तू वहां खड़ा हो जा, तो वो वह जाके वहां खड़ा हो गया, तो उसी वक्त फिर जो है वो मालिक कहने मानी यहाँ खड़ा हो जा, तो वो बेचारा जो है वहां से निकल के यहाँ आके खड़ा हो गया, तो फिर वो कहने लगे नहीं मानी तू जो है जरा बीच में आके खड़ा हो जा, तो वो बेचारा बीच में आके खड़ा हो गया, नहीं वो कहने लगे नहीं बीच में नहीं तो ऐसा कर जरा सा इधर हट जा। अच्छा ये सारा मंजर आप या हम जैसे लोग देख रहे हैं कि यार ये कैसा मालिक है, और बेचारे का जो मुलाजिम है उसको इसका मतलब मालिक को हुक्म देने नहीं आ रहा। एग्जैक्टली यही मामला कुरान में बीसियों जगहों पर आए हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, एक है सूरह अल-मुज़म्मिल, अगर आप सूरह अल-मुज़म्मिल की का मुताला करेंगे उसमें एग्जैक्टली यही बात कही गई है। मिसाल के तौर पर उसमें जो अल्फाज आए हैं या अय्युहल मुज़म्मिल, यानी अल्लाह मियां खालिक़े कायनात, यानी किसको खिताब कर रहे हैं, मुज़म्मिल को, एक शख्स है जिसका लकब या फिर जो है जिसको मुज़म्मिल कहकर बुलाया जा रहा है, या अय्युहा, यानी मतलब मुज़म्मिल को एक शख्स है, एक शख्स का लकब है वो सामने है, अब अल्लाह मियां उसको हुक्म दे रहे हैं या अय्युहल मुज़म्मिल, तो वो मुज़म्मिल जो है कहने लगा जी हुजूर, कुमिल लैला, तू रात में जो है खड़ा हो जा, तो वो कहने लगा जी हुजूर आपने जो कहा आपका हुक्म सर आंखों पर, फिर उसी वक्त अल्लाह मियां कह रहे हैं इल्ला कलीला, तो रात में खड़ा हो जा मगर थोड़ी रात। अच्छा अब बात यहां खत्म नहीं हो रही, रात में खड़ा हो जा कहने के बाद मगर थोड़ी रात, अच्छा अभी उनको उसमें हो या फिर जो है उससे जरा कम कर दो, अच्छा रात में खड़ा हो जा या थोड़ी सी रात या उससे थोड़ा कम कर, और उसी दाले ही या उससे थोड़ा ज्यादा कर दे, ये क्या अंदाज है यार बात करने का, कोई किसी को ऐसा हुक्म देता है, ऐसा हुक्म देता है कोई, यानी इस तरह की बात, मतलब रात में खड़ा हो जाओ, मतलब क्या हो, तहज्जुद की बात कर रहे थे, तहज्जुद की बात हो रही है, तू रात में खड़ा हो जा, यानी कुमिल लैला, तू रात में जो है क़याम कर। देखें अल्लाह मियां खालिक कायनात मुज़म्मिल को कह रहे हैं कि ए मुज़म्मिल तू रात में क़याम कर, तो मुज़म्मिल ने कहा कि ठीक जी हुजूर जो हुक्म सर आंखों पर, तो उसने फिर अल्लाह मियां ये कह रहे हैं कि मगर जो है इल्ला कलीला, मगर थोड़ा सा, तू रात में क़याम कर मगर थोड़ा सा, ये कैसी बात है, यानी अल्लाह मियां पहले ही क्यों नहीं करें कि जो है तू थोड़ी सी रात जो है उठ के खड़ा हो जा, ऐसा नहीं करें, रात में खड़ा हो जा मगर थोड़ा सा, अच्छा बात यहां खत्म नहीं हो रही, अभी उनको उसमें हो लेकिन उससे थोड़ा कम कर दिया, औजी जा रही या थोड़ा ज्यादा कर दे, ये कैसी बात है भाई, कैसी बात है, बात ऐसी होती है,
नई लैंग्वेज सीखता कोई तो नहीं, आप जरा गौर कीजिए कि यानी इस तरह की बात करने वाला और जिसके लिए ये बात कही जा रही है, ये दोनों का अगर इसको एक जो है एक ड्रामा जैसा बनाकर, एक मालिक है और सामने जो है उसका मुलाजिम है, मालिक जो है अपने मुलाजिम को ये हुक्म दे रहा है, तो आप जब देखेंगे तो आप बोलेंगे यार ये कैसा कैसा मालिक है यार, उसको बात करने का सलीका नहीं है, बात करने नहीं आता उसको। अरे किसी को आदेश देना तो ऐसा देते, ये तरीका होता, यानी अपने एक ही जुमले में तीन बार आओ या कह रहा है भाई, या तो वो करना है ये करना। अरे भाई तुम क्या चाहते हो मुझसे, बोलो मैं सीधा बोलो, मैं सीधा करता हूं ना, इसका मतलब तुम कंफर्म नहीं है, तुमको खुद नहीं मालूम कि जो है तुम क्या चाहते हो, इससे तो यही साबित हो रहा ना। अब यहां पर भी जो बातें कही जा रही हैं, यानी एक रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जो है केस है, जो कि नॉर्मली किसी इंसान के साथ नहीं होता, उस बात को लेकर एक दो तीन आयतें जो है उसी के कंटिन्यूएशन में जो है लाई जा रही हैं, जो कि इस आयत में कोई काम की बात नहीं है, कुछ भी काम की बात नहीं है, प्रैक्टिकली इन आयतों को आप जो है आप एडॉप्ट नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते भाई। एक ही आयत में एक ही जो है मतलब उसमें हुक्म में कहा जा रहा है कि दो आदिल आदमी लेना है, अच्छा वो आदिल आदमी नहीं मिले तो जो है दो काफिरों को लेना है, अच्छा अब वो दो काफिरों को जो है क्या करना, पकड़ के रखना है। जब अब एक आदमी जो है हालत सफर में है और उस वक्त उसको उस पर मौत आ गई, भाई इस हालत सफर में मौत आने का मतलब यह है कि एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, कोई इस तरह की मुश्किल आ गई, अब एक्सीडेंट हो गया तो उस आदमी को जो है लेके अस्पताल जाएंगे, वहां आईसीयू में रखेंगे, जो है ये करेंगे इमरजेंसी केस के तौर पर, या फिर जो है दो आदिल आदमियों को पकड़ के लाने की जो है निकल जाएंगे लोग, अगर आदिल नहीं मिलते तो काफिरों को पकड़ के लाएंगे, दो काफिरों को, और फिर उनको उनको जो है उनको गिरफ्तार करके रखना, कब तक जो है नमाज तक, और फिर उनसे अल्लाह की कसम लेना, और कसम में ये सारी बातें देखो हम ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं। अरे भाई जब आप दो आदमियों को पकड़ के लाकर इस तरह की बातें करेंगे तो वो भाग जाएंगे, अरे यार ये पता नहीं ये जो है ये अजीब पागल से लोग हैं, वो हमसे पता नहीं क्या जो है करवाना चाह रहे हैं। अच्छा एक आयत में बात जो है खत्म नहीं हुई, दूसरी आयत आ गई 107, उसमें भी वही कंटिन्यूएशन है, उसी तरह की ऊटपटांग बातें हैं, उसी तरह का ऊटपटांग अंदाज है। अच्छा उसके बाद फिर खत्म नहीं हुआ, फिर 108 में फिर वही बात कही गई उसी गवाही को लेकर, उसमें यह कहा गया है कि पहले वाले दो आदिल आदमियों को जो है छोड़ दो, और फिर अब क्या करो दो नए आदिल आदमियों को पकड़ के लेके आओ, और फिर वो नए आदिल आदमियों से यह गवाही लो कि पहले वाले जो आदिल थे उनकी गवाही जो है सही नहीं थी, अब तुम गवाही दो कि अल्लाह की कसम खाकर तुम्हारी गवाही उन पहले वालों की गवाही से ज्यादा बेहतर है। अरे यार आप जरा सोचिए कुल मिलाकर ये अल्लाह मियां का अंदाज देखो जरा। सचोला जी अगर ये कुरान खुली के हम स्क्रीन पे नहीं रखते और ये बातें करते तो यकीनन कई मुस्लिम लोग भी हम तो बोलते कि यार ये दिल से कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा कैसा लिखा होगा कुरान में। हाँ अगर मैं देखें, मैं वही तो कहना चाहता हूँ ना, यानी ये सारी बातें मैं अक्सर स्ट्रीम्स में कहता हूँ अपनी अपनी जो है गुफ्तगू के दौरान, आमतौर पर बहुत से मुस्लिमों को ये लगता है कि अरे यार सचवाला क्योंकि गुस्से में है, वो कुरान से नाराज है, पता नहीं जो है उसकी फैमिली का कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से जो है वो अपना कहीं और का गुस्सा कुरान पर निकाल रहा है। अरे कुरान तो जो है अल्लाह का कलाम है, इतनी सदियों से ये जो है ये मुकद्दस तरीन किताब समझी जाती रही है इस्लाम जैसे दीन की, और जो है कितने कितने लोग दुनिया के आज भी 2 बिलियन लोग जो है इस किताब पर ईमान रखते हैं, सचवाला क्योंकि क्या है वो गुस्से में है इस वजह से ऐसी बातें कर रहा है। अगर ये हम दरस कुरान का सिलसिला नहीं रखते और एक एक आयत के एक एक लफ्ज को इस तरह से खोल कर बयान नहीं करते तो कोई भी हमारी बात का यकीन नहीं करता। अब हम क्योंकि एक एक आयत को जो है पढ़ के उसके एक एक लफ्ज के मतलब को बता रहे हैं, अब जाकर लोगों को जो है हमारी बात समझ में आ रही है ना जी। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, हिंदी में क्या कह रहे हैं हजरत? जी सॉरी एक मिनट, आवाज आ रही सर मेरी? जी 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 हाँ। इस प्रकार अधिक आशा है कि वे सही गवाही देंगे अथवा इस बात से डरेंगे कि उनकी शपथों को दूसरी शपथों के पश्चात न माना जाए। अल्लाह से डरते रहो, उसका आदेश सुनो और अल्लाह उल्लंघनकारियों को सीधी राह नहीं दिखाता। इसमें फुटनोट भी दिया है। अच्छा आयत से तमा से तक में वसीयत तथा उसके साक्ष्य का नियम बताया जा रहा है कि दो विश्वस्त व्यक्तियों को साक्षी बनाया जाए और यदि मुसलमान न मिले तो गैर मुस्लिम भी साक्षी हो सकते हैं।
साक्षियों को शपथ के साथ साक्ष्य देना चाहिए। विवक्षित की दशा में दोनों पक्ष अपने अपने साक्षी लाए, जो इनकार करे उस पर शपथ है। नहीं, बात सोचिए कि ये सारा मामला जिस तरीके से हमने कुरान की आयतों को पढ़कर उस पर गौर किया, ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? और इसमें जो पॉइंट्स बताए गए हैं, जिस तरीके से बात को पेश किया गया है और पेश करने का जो अंदाज अपनाया गया है, तो आप जरा गौर कीजिए कि ये कहीं भी ये इस तरह का जो है मामला प्रैक्टिकल है? ये है मेरा सवाल। यानी एक आयत नहीं बल्कि एक आयत की तफसील में दूसरी आयत आई, फिर दूसरी आयत की जो है की शराह में तीसरी आयत आई, लेकिन तीनों आयतों को भी जब आप मिला लेंगे तब भी जाकर बात किसी भी तरह से क्लियर नहीं होती। समझ में नहीं आता कि आखिर बोलने वाला क्या बोलना चाह रहा। अच्छा, अब आयत नंबर 109 में कहा गया, यौमा यजमाउल्लाहु अर-रुसुल फयकूलु माज़ा उजिबतुम क़ालू ला इल्मा लना इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब। अब देखिए, अल्लाह मियां यहां पर जो है हर तरह के गैब का इल्म रखने वाले, सबसे ज्यादा जो है इल्म रखने वाले हैं। क्या कहा गया? जिस रोज अल्लाह सब रसूलों को जमा करके पूछेगा कि तुम्हें क्या जवाब दिया गया, तो वो अर्ज करेंगे कि हमें कुछ इल्म नहीं, आप ही तमाम पोचीदा हकीकतों को जानते हैं। तो तमाम रसूल ये कहेंगे कि भाई इल्म तो आपके पास है अल्लाह मियां, हमारे पास तो कोई इल्म नहीं है। अब यहां पर मौदूदी साहब 1, 2, 3 जो है फुटनोट अपनी जो है अब इनकी शायद कुछ भड़ास निकालना चाह रहे हैं। सुनना, ये कह रहे हैं कि यहां पर यानी इससे मुराद क्यामत का दिन है। जिस रोज से मुराद क्यामत का दिन है। फुटनोट नंबर 2 में लिखते हैं कि यानी इस्लाम की तरफ जो दावत तुमने दुनिया को दी थी, उसका क्या जवाब दुनिया ने तुम्हें दिया। तो इसका मतलब ये रसूल को इल्म नहीं है, रसूल तो जो है दुनिया वालों के साथ था ना भी, तो ये कैसा कहना है कि जो है हमें कुछ इल्म नहीं है? भाई सारी बातें रसूल के सारे रसूलों का ये कहना कि जो है हमें कोई इल्म नहीं है, ये अजीब सी बात है। उसके बाद फुटनोट नंबर 3 में कह रहे हैं, यानी हम तो सिर्फ उस महदूद जाहिरी जवाब को जानते हैं जो हमें अपनी जिंदगी में मिलता हुआ महसूस हुआ, बाकी रहा ये कि फिल हकीकत हमारी दावत का रद्द अमल कहां किस सूरत में कितना हुआ, तो इसका सही इल्म आपके सिवा किसी को नहीं है अल्लाह मियां। इल्म तो सिर्फ आपके पास है, इसीलिए आप ऐसी बातें करते हैं। ये अल्लाह मियां अल्लामुल गुयूब की बातें आप देखें, समझ जब से आप अल्लाह मियां की बातें सुन रहे हैं। इल्म सच वाला जी, इतना इल्म अल्लाह ताला अपने खुद के पास रख के क्या करेगा, दे क्यों नहीं देता ये इल्म किसी को, गैब का इल्म। यानी अल्लाह मियां के पास गैब का इल्म है, अल्लाह अल्लामुल गुयूब है, अल्लाह ताला जो है वो क्या है, अलीम है, खबीर है। और फिर अलीम और खबीर की बातें हम पढ़ रहे हैं और जो है हम उस पर गौर कर रहे हैं और जो है क्या नतीजा हमारे सामने आ रहा है ये भी हम देख रहे हैं। जी हिंदी वाले बाबा क्या कह रहे हैं? जिस दिन अल्लाह सब रसूलों को एकत्र करेगा, फिर उनसे कहेगा कि तुम्हें तुम्हारी जातियों की ओर से क्या उत्तर दिया गया, वे कहेंगे कि हमें इसका कोई ज्ञान नहीं, निसंदेह तू ही सब छुटे तथ्यों का ज्ञानी है। नोट है इसमें, अर्थात हम नहीं जानते कि उनके मन में क्या था और हमारे बाद उनका क्या रहा। अच्छा, अब आ गई आयत नंबर 110। इसमें बात हो रही है ईसा की। आयत नंबर 110 में ईसा की बात हो रही है। वो ईसा की कहानी सुनाते हुए ये कुरान का लिखने वाला हमें बता रहा है कि इज قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس فتكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. अच्छा, इसमें देखिए क्या कहा गया। फिर तुम तसव्वुर करो उस मौके का जब अल्लाह फरमाएगा कि ऐ मरियम के बेटे ईसा, याद कर मेरी उस नेमत को जो मैंने तुझे और तेरी माँ को अता की थी। मैंने रूह पाक से तेरी मदद की, तू गहवारे में भी लोगों से बात करता था और बड़ी उम्र को पहुंचकर भी। मैंने तुझको किताब और हिकमत और तौरात और इंजील की तालीम दी। तू मेरे हुक्म से मिट्टी का पुतला परिंदे की शक्ल का बनाता और उसमें फूंकता था और वो मेरे हुक्म से परिंदा बनकर बन जाता था। तू मादरजात अंधे को कोढ़ी को मेरे हुक्म से अच्छा करता था। तू अच्छा, यहाँ पर ये जानबूझकर हुक्म कह रहे हैं, हालांकि हुक्म नहीं है यहाँ पर, यहाँ इजाजत है।
देखें यह हुक्म यानी हमारे उलमा जानबूझकर कहते हैं, अब ये नीचे डॉक्टर असरार अहमद भी हुक्म का लफ्ज जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, हुक्म कह रहे हैं, और तो और ये हमारे मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब भी जो है हुक्म कह रहे हैं, हालांकि इज्न का मतलब हुक्म नहीं है, इज्न का मतलब है इजाजत। इजाजत और हुक्म में बहुत बड़ा फर्क होता है। हुक्म जो है एक 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 मालिक अपने नौकर को देता है, लेकिन इजाजत एक बाप अपने बेटे को देता है। आप समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैं एक बहुत लतीफ जो फर्क है हुक्म और जो है हुक्म और जो है इजाजत में, वो फर्क बता रहा हूं। अब जाहिर बात है इससे मेरे को साबित कुछ भी नहीं करना, लेकिन अब जाहिर बात है जो कुरान के टेक्स्ट में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कुरान के टेक्स्ट में ईसा के साथ इज्न का लफ्ज आया है, अमर का लफ्ज नहीं आया। हुक्म अगर होता तो यहां पर बी अमरी कहता, कुरान का लिखने वाला क्या कहता, बी अमरी, यानी मेरे हुक्म से। कुरान बी अमर नहीं कह रहा, आप समझ रहे बात को? ये बहुत लतीफ इशारा है समझने वालों के लिए। ईसा इब्ने मरियम के मामले में कुरान का जो 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 जो, जो अंदाज है वो वाकई बड़ा निराला है, बड़ा निराला है। यानी ये सारे मौजजात जो है ईसा कर रहा है, और ये सारे के सारे अल्लाह की इजाजत से कर रहा है। गोया कि अल्लाह ने ईसा इब्ने मरियम को ये अथॉरिटी दे दी, ये अटॉर्नी दे दी, ये अटॉर्नी का पावर दे दिया। जाहिर बात है देखें, आप पावर ऑफ अटॉर्नी किसी ऐसे शख्स को दोगे जिस पर आपको पूरी तरह से एतमाद है, पूरा ट्रस्ट है। मुझे बताइए कि कोई शख्स किसी भी अरे गहरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है? देता है। लेकिन कुरान जो है ये संदर्भ में बात सिर्फ जो है ईसा इब्न मरियम के साथ कर रहा है। तो यहां देखें हमारे उलमा जानबूझकर इज्न का जो है तर्जुमा हुक्म करते हैं, हालांकि इज्न का तर्जुमा इजाजत है। यानी अल्लाह ने गोया ईसा इब्न मरियम को इजाजत दे रखी है, मगर हमारे उलमा जाहिर बात इजाजत का मतलब जो है उनको मालूम है कि अगर इजाजत कहेंगे तो फिर जो है बात कहीं और चली जाएगी। हालांकि मुझे मालूम है बात कहीं और जा रही है, कुरान के मतन में बात कहीं और जा रही है भाई। मैं भी तो दरअसल उसी तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब भी यही है, जा रही है और बल्कि जा चुकी है, बात हाथ से निकल चुकी है, उनके हाथ से निकल चुकी है। तो अब वो यानी अब अगर ये इससे लोगों का जहन जो है वहां से हटाने के लिए, लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये हथकंडे जो है हमारे उलमा, हमारे मुतज्जिमीन, हमारे मुफस्सिरीन ये इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये फिर ये कह रहा है कुरान कि तू हुक्म से, हालांकि यहां पर जो है देखें वह इसमें जो अल्फाज आए हैं वह इज तुखरिजुल मौता बिइज़्निल्लाह, तू और कुरान में एक जगह उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, यानी मैं अल्लाह की इजाजत से मुर्दे को मैं जिंदा करता हूं, ये अल्फाज भी आए हैं कुरान में। हम ऑलरेडी उसको पढ़ चुके हैं सूरह बनी सूरह आले इमरान में, ये अल्फाज हैं कि मैं मुर्दे को मैं जिंदा करता हूं अल्लाह की इजाजत से, ये अल्फाज आए हैं। और यहां पर जो है ये कह रहे हैं कि हुक्म, तू मुर्दों को मेरे हुक्म से निकालता था, फिर जब तू बनी इसराइल के पास खुली निशानियां लेकर पहुंचा और जो लोग इनमें से मुनकिर हक थे उन्होंने कहा कि ये निशानियां जादूगरी के सिवा और कुछ नहीं, तो मैंने ही तुझे उनसे बचा लिया। मगर अब जो है इज जितहुम बिल बगीनात फकाल الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين, हालांकि ये मैंने ही तुझे उनसे बचाया, ये अल्फाज है इसमें कहां है भाई? अच्छा وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ, अच्छा ये यहां कह रहे हैं कि यहां ये अल्फाज आए हैं कि मैंने तुझे उनसे उन बनी इसराइल से जो है मैंने तुझे बचाया है, कि अल्लाह अपने अल्लाह जो है ये बात ईसा इब्न मरियम से जो है कह रहा है कि मैंने तुझे उस नेमत को याद कर, ऐ ईसा इब्न मरियम तुम उस नेमत को याद करो जो मैंने तुमको और तुम्हारी वालिदा को जो है दी है, रूहुल कुदुस के जरिए से मैंने तुम्हारी जो है ताईद की और तुम बात करते थे लोगों से गहवारे में भी और बड़ी उम्र को होकर भी, और मैंने तुमको तालीम दी है, मैंने तुमको तालीम दी है अल किताब की, अल हिकमत की, अल तौरात की, अल इंजील की। अब आप देखिए यहां पर एक और बात है, हमारे उलमा पूरी दुनिया के वो कुरान में अल किताब के फौरी बाद अल हिकमत का लफ्ज आ जाता है, तो अल हिकमत से मुराद क्या लेते हैं? हदीस। हमारे उलमा क्या कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि हमारे उलमा का यह दावा है कि कुरान में अल किताब के फौरी बाद जो अल हिकमत का लफ्ज आया है उससे मुराद क्या है?
हदीस है, हदीस का जखीरा। तो अब सवाल यह है कि यहां अल्लाह जो कह रहा है कि ए ईसा मैंने तुमको अल किताब अल हिकमत अल तौरात अल इंजील, तो यहां अल हिकमत का क्या मतलब है भाई? क्या ईसा की भी जो है हदीसें हैं? हदीसें हैं जी? जी ये, लेकिन ये क्या बेरुतगी है? हम कब से देख रहे हैं अल बकरा, फिर सूरह आल इमरान, फिर सूरह निसा, फिर अब सूरह मायदा में अभी एक बात चल रही थी किसी के मरने की, मरते वक्त कैसे क्या करना है, तो फिर अचानक ईसा इब्ने मरियम की बात शुरू हो गई है। ये तो कुरान है ना भाई। अरे कुरान के तो कुरान सूरह मरियम का कंटेंट है। अरे भाई फसाहत बलागत है भाई, आप जो है देखें ये तो आप तनकीद करने पे उतर आए थे। कुरान की फसाहत बलागत जो है इंसान नहीं समझ सकता ना, ये है फसाहत बलागत। यानी एक आयत में एक बात कही गई तो वो बात अधूरी रह जाती है। यानी कुरान का मामला ये है कि बेशुमार जगहों पर अल्लाह जो है चीजों की कस्में खाता है। अच्छा अच्छा, एक आदमी जब कसम खाता है, कोई भी इंसान जब कसम खाता है, तो वो एक एक यानी मतलब सुनने वाले के जहन पर एक बात की अहमियत जताने के लिए कि भाई देखो मैं कसम खाकर ये बात कह रहा हूं। अच्छा क्या बात कह रहे हो तुम कसम खा के? भाई जाहिर बात है जब तुम मिसाल के तौर पर हम नॉर्मल जब बात करते हैं तो हमारी नॉर्मल बात में उतनी ताकीद नहीं होती। अब अगर बात करते करते मैं लोगों से कहूं खुदा की कसम, या फिर कहते हैं ना हमारे पास जो हिंदी फिल्मों का डायलॉग है मेरी माँ की कसम, मैं मेरी माँ की सौगंध खाकर जो है कहता हूं। अच्छा ठीक है, जब तुमने अपनी माँ की सौगंध खाई तो अब उसके बाद तुम कहना क्या चाह रहे हो? अब अगर मैं मेरी माँ की सौगंध खाकर कहता हूं बोलने के बाद अगर एक आदमी कुछ भी ना कहे तो लोग जो है उसकी अकल पर जो है डाउट करेंगे ना। तो अब यही डाउट हमें अल्लाह मियां की अकल पर भी करना पड़ेगा। बेशुमार जगहों पर अल्लाह कसमें तो खा रहा है लेकिन जवाब कसम नहीं है, कसम का जवाब नहीं है। आज मैं कुछ ऐसी आयतों का मुतारा कर रहा था, मैं जो है वही गौर कर रहा है यार, इसमें बार बार कसमियां जो है अल्फाज तो हैं, बार बार कसम तो खाई गई लेकिन कसम क्यों खाई जा रही बताया नहीं जा रहा। अल्लाह में नहीं बता रहे, आज खाली कसम पे कसम खाते जा रहे हैं, एक एक सूरत में कई कई बार जो है कसम खा रहे हैं। अरे यार इतनी कसमें खाने के बाद में आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो भाई? नहीं कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं, खाली कसम खा रहे हैं। कसम है फलां की, कसम है फलां की, कसम है फलां की, कसम है फलां की, उसके बाद कह रहे हैं कि जो है तुम एक गिलास पानी पी लो। तो अब ऐसे शख्स को आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? एक गिलास पानी पिलाने के लिए तुमने इतनी कसमें खाई? कुछ कहीं कुछ तुक नजर आता है आपको? देखें जब आप जो है इस अंदाज से कुरान के टेक्स्ट का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान है क्या, कितनी फजूल किताब है यार ये। आप यानी मैं अगर सिर्फ लफ्जों में कहूं तो लोग जो है सिर्फ ये समझेंगे कि जो है सच वाला तुमके कुरान पर गुस्सा है इसलिए ऐसी बात कर रहा है, लेकिन ये बात मैं असल में मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आप भी यानी जिस अंदाज से मैं कुरान का मुताला कर रहा हूं अगर आप भी उसी अंदाज से कुरान का मुताला करेंगे तो एग्जैक्टली आप भी वही कहेंगे जो मैं कह रहा हूं, वही कहेंगे, रिजल्ट वही निकलना है, क्योंकि आप भी अकीदत की पट्टी हटाकर ये जो चश्मा लगा हुआ है ना हमारी हमारी मोमिनों की आंखों पर वो चश्मा उतार कर अगर आप जो है नेचुरली कुरान पर जो है गौर करेंगे तो आपको वही दिखेगा बिल्कुल जो मुझे जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरी आंखों पर अकीदत की कोई पट्टी नहीं है ना। आप भी मेरे जैसे हो जाओ, ये ईमान का जो है ना वो जो है क्या ताला उसको निकाल कर भी जो है खुल के देखो, फिर आप नेचुरली जो है वो पढ़ो, पढ़ के जो है उस पर गौर करो, ये है असल बात। तो आपने जिस तरह से कहा है कि एक बात हो रही है अचानक दूसरी बात शुरू हो जाती है, वो बात होती है। देखें इससे पहले वाली आयत 109 में जो बात कही गई है कि जिस रोज अल्लाह सब रसूलों को जमा करके पूछेगा कि तुम्हें क्या जवाब दिया गया, तो वो अर्ज करेंगे कि हमें कुछ इल्म नहीं है, बस सारे पोशीदा राज तो आप जानते हैं अल्लाह मियां। तो अच्छा इस आयत का पहले वाली आयत उनसे क्या कनेक्शन है, और फिर ये आयत नंबर 109 का आयत नंबर 110 से क्या कनेक्शन है भाई, क्या कनेक्शन है? कहीं कुछ तुक नजर आ रहा है आपको? कोई भी तुक है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फालतू की जो है मतलब ये इसमें लफ्जों की जुगलबंदी है, एक ऊट एक एक तरफ से ऊट बात है, पठान बात है, इधर से आई बाई शाई टाई इस तरह का जो है सब मिलाकर खिचड़ी बनाकर उसका नाम जो है रख दिया गया कुरान। अब लोग जो है अरे यार कुरान अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम मान, पता किसी को भी कुछ भी नहीं है। 99% लोगों को नहीं पता कि कुरान क्या है, नहीं पता, मानते सब हैं, उसके लिए गर्दन काट देंगे गर्दने और खुद अपनी भी गर्दन कटवा लेंगे, लेकिन पता कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं मालूम, ये मामला है। तो 110 के बारे में हमारे हिंदी वाले बाबा क्या कह रहे हैं भाई? याद करो जब अल्लाह ने कहा कि हे मरियम के पुत्र ईसा अपने ऊपर तथा अपनी माता के ऊपर मेरा पुरस्कार याद कर, जब मैंने पवित्र आत्मा जिब्रील द्वारा तुझे समर्थन दिया तू गहवारे में गोद में
तथा अपनी आयु में लोगों से बातें कर रहा था तथा तुझे पुस्तक प्रबोध तौरात और इंजील की शिक्षा दी गई। जब तू मेरी अनुमति से मिट्टी से पक्षी का रूप बनाता और उसमें फूंकता तो वो मेरी अनुमति से वास्तव में पक्षी बन जाता था, और तू जन्म से अंधे तथा कोढ़ी को मेरी अनुमति से स्वस्थ कर देता था, और जब तू मुर्दों को मेरी अनुमति से जीवित कर देता था, और मैंने बनी इसराइल से तुझे बचाया था, जब तू उसके पास खुली निशानियां लाया तो उनमें से काफिरों ने कहा कि ये तो खुले जादू के सिवा कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने अनुमति अनुमति सही कहा, इन्होंने आदेश नहीं कहा। अब आप भी समझ सकते हैं ना, आदेश और अनुमति में फर्क है जी, ठीक है। यानी अनुमति किसी अपने को जिसका आपके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है उसके साथ होती है, लेकिन आदेश आप जो है मान लो आप एक बड़े हैं और एक जो है आप जिससे आपका कोई खास ताल्लुक नहीं है उसको आप आदेश देते हैं, क्योंकि आदेश देने के बाद में आदेश देने वाला और जिसको आदेश दिया जा रहा है उसके बीच में एक तरह का गैप रहता है, एक फासला रहता है। लेकिन अनुमति यानी करीब से होती है, ठीक है जाओ भी लेके जाओ तुम लोग जो है तुम्हारे लिए ही है, लेके जाओ तुम इस्तेमाल करो, ये इसका मतलब आपने इजाजत दे दी। यहां पर आपने हुक्म नहीं दिया, इजाजत दी। ऐसे जैसे कि अल्लाह मियां ने ईसा इब्न मरियम को कहा कि अय ईसा ठीक है ये सब कुछ जो है ये सारे काम तुम कर सकते हो, जाओ करो जाओ, मेरी अनुमति है तुम्हारे लिए। अब ईसा कर रहे हैं वो सारे काम कर रहे हैं जो अल्लाह मियां करते हैं, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, रूह फूंक मार रहे हैं, वो तख्लीक कर रहे हैं, वो जो है मतलब जो अंधे हैं उनको जो है बिनाई दे रहे हैं, जो है जो बीमार हैं उनको शिफा दे रहे हैं, जो गैब की खबरें बता रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं ना जी। अब आयत नंबर 111 में कहा गया, ऐसे लग रहा है सच वाला जी, ये ऐसे नहीं लग रहा कि कोई एक आधा आपका शागिर्द है और वो आपके इल्म के बगैर उसने कुछ कारनामा अंजाम दे दिया और बाद में आपके सामने कोई तो बात करा, हाँ हाँ मैंने उसको परमिशन दी थी, हाँ मैं मेरी परमिशन से ही करा। लेकिन करने वाला कोई और है ना, अगर ठीक है ये सारी बातें कुरान में मौजजात के तौर पर आई है ना, ये असल में ये भी किस्से कहानियां हैं, अगर आप इनका भी जायजा लेंगे तो यानी कुरान के लिखे जाने से पहले ईसा जिसे कहा गया, ईसा इब्न मरियम जिसे कहा गया, उसके बारे में बहुत सी कहानियां चल रही थी उस इलाके में उस जमाने में। तो कुरान का लिखने वाला दरअसल उन्हीं कहानियों को लेकर अपनी बोली में, अपनी अरबी बोली में, जाहिर बात है वो किसी और बोली में थी या किसी और जबान में जो है वो बातें फोकलोर के तौर पर थी, ईसा के बारे में इस तरह की बातें मशहूर थी, लोग जो है किया करते थे। तो अब उन बातों को कुरान का बोलने वाला वहां से लेकर अपनी जो है कुरान या अपनी किताब में शामिल कर रहा है, यह है असल बात, ठीक है। अच्छा, आयत नंबर 111 में कहा जा रहा है, وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ। और जब मैंने हवारियों को इशारा किया, यहां पर अवहीद का लफ्ज आया है, इशारा क्यों है, सीधा सीधा वही बोलो ना, अल्लाह मियां ने वही की किसको, हवारियों को, तो हवारी भी जो है नबी हो गए, नबी हो गए भाई। मुसलमानों का यकीदा है कि जिसको वही की जाती है वो जो है वो क्या होता है, नबी होता है। तो क्या ये जो है हवारी भी वही हो गए, यानी हवारी भी नबी हो गए, क्योंकि यहां पर जो है वही का लफ्ज आ रहा है, मगर जानबूझकर जो है मौदूदी साहब वही की बात नहीं कर रहे, यहां इशारा कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, इलंडी कैसी मारे देखे। अब जो है हमारे मौलाना वहीदुद्दीन साहब क्या कह रहे हैं, और जब मैंने हवारियों के दिल में डाला, देखे जरा डंडिया मारने का तरीका, देखे आप डंडिया मारने के तरीके देखे, और इंग्लिश में सही इंटरनेशनल कहा गया, एंड रिमेंबर व्हेन आई इंस्पायर्ड टू द डिसिपल्स, इंस्पिरेशन, भाई रिविजेशन क्यों नहीं कहना चाह रहे, क्योंकि यहां पर तो कुरान का एक्चुअल लफ्ज है ना, वही है, और जहां जहां यही लफ्ज नबी के लिए आता है आप वहां जानबूझ के जो है माना वही लेते हो, वहां यह इंस्पिरेशन, वहां यह दिल में डालने की बात, वहां यह इशारा करने की बात क्यों नहीं करते भाई, क्यों नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि इनकी मजबूरी है, इनका अकीदा जो है बिगड़ जाएगा ना, आप समझ रहे हैं। अगर ये सारे ट्रांसलेटर यहां ये कहते कि और जब मैंने हवारियों को वही की, तो पूछने वाला पूछेगा यार जो है हवारियों को भी वही होती है, वही होती है, ये सवाल होगा ना,
आम मुसलमान का ये तो सोचना है कि वही सिर्फ नबियों पर होती है। हाँ, वही सिर्फ नबियों को होती है। अब ये तो हमारे चैनल पर आने के बाद कुछ हमारे मोमिन भाइयों को पता चला, अरे यार जो है वही तो मूसा की माँ की माँ को भी हुई, वही तो इस शहद की मक्खी को भी हुए कुरान में, और फिर यही नहीं, वही तो जो है हवारियों को भी हो रही है, जो ईसा के जो डिसिपल्स हैं, ईसा के जो शागिर्द हैं उनको भी वही हो रही है। अब बताइए, ईसा के शागिर्दों को वही हो रही है कुरान के मुताबिक, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। फिर या तो कुरान का काम था कि अगर वही सिर्फ नबी के लिए खास है तो फिर कुरान की जिम्मेदारी, कुरान बोलने वाले की जिम्मेदारी ये थी कि जो गैर नबी है उनके लिए कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करता, लेकिन क्योंकि जाहिर बात है कुरान के पास बहुत ही लिमिटेड वोकैबुलरी है, आप ये भी जानते हैं, वो जितने उसकी झोली में जितने अल्फाज हैं उसी से काम चलाना है उसको। अब इस बात लिमिटेड है, उसका नॉलेज लिमिटेड है, बिल्कुल हर चीज लिमिटेड है। यानी मैं जो कहता हूं ना, कुरान का बोलने वाला एक कुएं के अंदर बैठा है बेचारा, कुएं के अंदर क्या मिलेगा यार, जो मिलेगा उसी से गुजारा करना है उसको, अल्फाज की कमी है, वोकैबुलरी बहुत ही जो है बुरी तरह से जो है उसके अंदर जो है मतलब उसमें लफ्जों का कहत है, कहत, और उसी से काम चलाना है। तो हवारियों को भी के बारे में भी कुरान का बोलने वाला कह रहा है कि मैंने हवारियों को वही की, मगर हमारे तर्जुमा करने वालों की मजबूरी है कि वो कह रहे हैं कि और जब मैंने हवारियों को इशारा किया, देखें जरा मजबूरी, और जब मैंने हवारियों को इशारा किया कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, तब उन्होंने कहा हम ईमान लाए और गवाह रहो कि हम मुस्लिम हैं, हम मुसलमान हैं, हम क्या हैं, मुसलमान हैं। तो यहां पर फुटनोट में जो है मौदूदी साहब लिखते हैं, यानी हवारियों का तुझ पर ईमान लाना भी हमारे फजल और तौफीक का नतीजा है। देखें यहां सब कुछ अल्लाह मियां के हाथ में है, अल्लाह मियां अगर मान लो कोई ईमान लाता है तो भी अल्लाह मियां की मर्जी से ही होता है, यानी अल्लाह मियां उसको जो है इजाजत देते हैं या अल्लाह मियां जो है उसके लिए तौफीक देते हैं तो होता, और जो है कोई ईमान नहीं लाता, यानी हिदायत और जलालत, हिदायत और गुमराही अल्लाह की तरफ से है। अब मैं जो है एक सिलसिला शुरू करूंगा कुरान के वो बयानात, मिसाल के तौर पर मेरे जहन में एक टॉपिक है, अब ये कहा जाता है ना भी कि शैतान क्या है, ये शर जिसे बुराई कहते हैं, ये जो है सोर्स ऑफ इविल, शैतान के बारे में क्या कहा गया कि सोर्स ऑफ इविल है, यानी मतलब जो बुरी बुरी बातें हैं उनका सोर्स है, और अल्लाह के बारे में क्या कहा जाता, ये सोर्स ऑफ गुडनेस, यानी जितनी अच्छी बातें हैं उसका ताल्लुक किससे है, अल्लाह से है, जितनी बुरी बातें हैं उसका ताल्लुक किससे है, शैतान से। ये अकीदा हमें बचपन से पढ़ाया गया, आज भी हर मुसलमान यही अकीदा रखता है, लेकिन कुरान में हमें जब कुरान के मतन पर जब हम गौर करेंगे तो वहां कुरान की दुनिया कुछ और है, जितनी बातें बुरी बातें शैतान के साथ जुड़ी हैं उससे कहीं ज्यादा बुरी बातें अल्लाह के साथ जुड़ी हैं। अब मैं इस पर जो है बाकायदा स्ट्रीम करूंगा, यानी आप मेरे साथ रहना, मैं एक एक कुरान की एक एक आयत जो है मतलब मैं बोलूंगा, उसको निकालना, फिर उस आयत को मैं पढ़ूंगा, उसका माना जो है मैं बताऊंगा लोगों को। जितनी बुरी बातें शैतान के साथ जुड़ी हैं, मैं कुरान की बात करूं, मैं जो है कोई दूसरी किताबों की बात नहीं कर रहा हूं, जितनी बुरी बातें शैतान के साथ जुड़ी हैं उससे कहीं ज्यादा बुरी बातें अल्लाह के साथ जुड़ी हैं, अल्लाह के साथ जुड़ी। अच्छा, अब ये जो मैं जिस तरह से पूरी आयतें जो है पेश कर वो उस पर जब हम भी गौर करेंगे और दुनिया वालों के सामने ये सारी बातें रखेंगे, उसके बाद यानी एंड ऑफ द डे अगर हम दुनिया वालों से पूछेंगे कि भाई इसमें अल्लाह कौन है और शैतान कौन है, ये सवाल हम करेंगे, क्या ख्याल है? बिल्कुल, तो इस तरह का हम जो है जवाब देंगे, सिर्फ खाली सामने ये बातें रखेंगे तो लोग तो शैतान को अल्लाह, अल्लाह को शैतान कहेंगे। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे यार, जो है जिसे शैतान कहा गया है वो अल्लाह है या जिसे अल्लाह कहा गया वो शैतान है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। तो अब आप जो है हमारे मोमिनों से हम जो है उनसे सवाल करेंगे कि भाई इसमें अल्लाह कौन है और शैतान कौन है, यार जो है समझ नहीं आ रहा कि जो है कौन क्या है, कौन क्या है समझ में नहीं आ रहा, जितने बुरे काम अब जो है सारे काम बुरे अल्लाह मियां। अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम क्या आ जाती है, शैतान बुरे काम करता है, अच्छा ठीक है, शैतान बुरे काम करता है तो क्योंकि उसका उसकी एक लिमिट है ना भी, क्योंकि इस्लामी अकीदे के मुताबिक शैतान भी एक मखलूक है, उसकी एक लिमिट है, मगर इस्लामी अकीदे के मुताबिक अल्लाह की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वो अल्लाह है, ठीक है, तो लिमिटलेस है। तो अब अगर अच्छा इंसान को भटकाने का काम शैतान भी करता है, अल्लाह मियां भी करते, कुरान के मुताबिक कह रहा हूं मैं सारी कुरान की आयतें पेश करूंगा, एक एक आयत पढ़ूंगा, लिटरली एक एक वर्ड के माना बताऊंगा,
मैं उस पर गौर कर रहा था दो तीन दिन से, मैं भी हैरान था यार। हालांकि यूं तो हम कई बार हम भी पढ़े हैं, मगर क्या है, जब आप एक खास नजर लेकर कुरान के टेक्स्ट पर गौर करेंगे तो आपके सामने दुनिया ही कुछ और होती है, कुछ और ही दुनिया होती है। तो मैं कुरान की एक एक आयत पढ़ूंगा और जो है उसके माना बताते जाऊंगा। तो जितने काम बुरे शैतान करता है उससे कहीं ज्यादा बुरे काम अल्लाह मियां करते हैं। तो फिर आप लोगों से हम पूछेंगे कि भाई इसमें अल्लाह कौन है और शैतान कौन है, अब इसका फैसला हमारे जो है सुनने वाले करेंगे। जी हिंदी में क्या कह रहे हैं इस बारे में? जी हाँ, याद कर जब मैंने तेरे हवारियों के दिलों में ये बात डाल दी कि मुझ पर तथा तेरे रसूल ईसा पर ईमान लाओ, तो सबने कहा कि हम ईमान लाए और तू साक्षी रहे कि हम मुस्लिम आज्ञाकारी है। अच्छा, ये तो कितनी बड़ी बात है, ये ईसा के मानने वाले मुस्लिम है। एग्जैक्टली अच्छा, ये बात कुरान एक जगह नहीं कई जगहों पर कह रहा है। देखें असल में, देखें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मुहम्मद के मानने वाले मुसलमान हैं ये बात कुरान नहीं कह रहा। कुरान क्या कह रहा, ईसा के मानने वाले जो है वो मुसलमान हैं। आप समझ रहे मेरी बात? आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए कुरान हमारे सामने कुछ और ही दुनिया बता रहा है भाई। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि मुसलमान जो कुछ करते हैं, मुसलमान जो कुछ मानते हैं, मुसलमानों के जो अकीदे हैं, उनका कुरान से कोई लेना देना नहीं। ये दरस कुरान का सिलसिला हमने क्यों शुरू किया उसकी असल वजह यह है, हम दरअसल ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि कुरान कुछ और ही कह रहा है और हमारे मुल्ला सदियों से कुछ और ही बताकर दुनिया को जो है गुमराह किए हुए हैं। जितनी बातें आज जो है मुरव्वजा इस्लाम के तौर पर चलती हैं वो मुल्लाओं की हैं, वो हदीस के भंडार से बातें बता रहे हैं, लेकिन कुरान कुछ और बता रहा है। कुरान ये कह रहा है कि जो कोई ईसा पर जो है ईमान लाए, जो कोई ईसा को फॉलो करे वही मुसलमान है, लेकिन जो कोई मोहम्मद पर, उसका जिक्र ही नहीं कर रहा कुरान, जिक्र ही नहीं कर रहा अभी। यानी कुरान मोहम्मद के बारे में ऐसे बता रहा है, ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है जैसे कि आप सोचें कि कोई सहरा है, बिल्कुल जो है सूखा सूखा सहरा है ना, लक तो दक जो है सहरा है, कुछ भी नहीं है, ना जो है पानी है, ना कोई सब्जा है, ना कोई जो है ग्रीनरी है, ना वेजिटेशन है, उसमें एक शख्स खड़ा है बीच में, कुछ भी नहीं, आगे पीछे कुछ भी नहीं। इस अंदाज से कुरान लफ्ज मोहम्मद को पेश करता है। आप समझ रहे हैं बात को? मसला यह है कि हमारे उलमा, हमारे मुफस्सरीन और मुतर्जिमीन उनके अकीदे के मुताबिक हर जगह मोहम्मद को घुसा देते हैं, कहते हैं ऐ मोहम्मद, हालांकि वो मोहम्मद नहीं होता भाई। कुरान में चार जगहों पर जहां मोहम्मद है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं कह रहा हूं। यह कुरान का मोहम्मद लक्को दक सहरा में बिल्कुल यकाव तनहा खड़ा है, उससे किसी का कोई कनेक्शन ही नहीं, ऐसा लग रहा है। अजीब मामला है, अजीब मामला है वाकई। तो चलिए जनाब अभी यहां खत्म करेंगे या एक आयत और पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी आयत नंबर जी आयत नंबर 112 में जो कहा गया इसमें मायदा का लफ्ज आ रहा है, मायदा कहते हैं दस्तरखान को। यहां जाकर ये एक जगह एक आयत में मायदा का लफ्ज आया है और मायदा कहते हैं दस्तरखान को, और इसी बुनियाद पर जो है इस चैप्टर का नाम मायदा रखा गया। देखिए अजीब अजीब बात है यार, कोई तुक नहीं है, कोई माकूलियत नहीं है, ठीक है। इसमें कहा गया इज قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين। अच्छा, जब इन हवारियों के सिलसिले में, मतलब जो हवारियों की बात ऊपर आई ना, जो ईसा के जो डिसिपल्स हैं उनकी जब बात आई तो उसी के सिलसिले में ये वाकया भी याद रहे कि जब हवारियों ने कहा कि ऐ ईसा इब्न मरियम, क्या तुम्हारा रब हम पर आसमान से खाने का एक खान हो या दस्तरखान, वही जो है जिसे हम टेबल मैट कहते हैं, आसमान से खाने का एक खान उतार सकता है? ये सवाल कर रहे हैं कौन, ये जो है ये ईसा के हवारी। तो ईसा उनको जवाब देते हुए कहते हैं कि अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। ये क्या जवाब है यार? तो सीधा की तो बोलो नहीं, भी नहीं उतार सकता। अब बोलो क्या उतार सकता है? अच्छा, एक तो बेचारे जो है वो जो यानी हर नबी का मोमिन ऐसे ही जरा ढीला डरा बचकाना जो है सवाल करते बेचारे, वो जमाने के जो है अब वो उनकी अपनी जो है, भले कोई भी नबी के रसूल के साथ जो रहने वाले है ना, सीधे साधे भोले भाले लोग जो है बुद्धू किस्म के होते ना, बिल्कुल जो है जिनको हम दुले शाह के चूहे कहते हैं, ऐसे ही लोग रहते, और ऐसे लोगों के बीच में वो एक अंधों में काना राजा बनकर एक नबी बनकर घूमते रहता। हर जगह कुरान में ऐसे नबियों का नाम आया है। अच्छा,
इस पे फुटनोट पर लिखते हैं, क्योंकि हवारियों का जिक्र आ गया था इसलिए सिलसिले कलाम को तोड़कर जुमले मुअतरजा के तौर पर यहाँ हवारियों ही के मुतालिक एक और वाकये की तरफ भी इशारा कर दिया गया, जिससे ये बात साफ जाहिर होती है कि मसीह से बराह रास्त जिन शागिर्दों ने तालीम पाई थी वो मसीह को एक इंसान और महज एक बंदा समझते थे। अब दरअसल ये मौजूद साहब अपनी एक फलसफे को यहाँ झाड़ना चाह रहे हैं जी, मसीह को एक इंसान और महज एक बंदा समझते थे, ठीक है, बात तो सही है, और इनके वहम गुमान में भी अपने मुर्शिद के खुदा या शरीक खुदा या फर्जंद खुदा होने का तसव्वुर न था। अब भाई अब ये अब ऐसा है कि जब आप बाल की खाल निकालेंगे तो फिर ईसाई लोग जिनको जो है क्रिश्चियन कहते, वो क्रिश्चियन अगर मुसलमानों के अकीदों की बाल की खाल निकालें तो मुसलमान टिक भी नहीं सकते, वो इतना खतरनाक जो है बाल की खाल निकालने वाले हैं, क्योंकि उनको ईसा उनकी अपने जो है जो भी उनकी किताबों के साथ साथ इस्लाम का भरपूर जो है इल्म होता है, इतना भयानक इल्म होता है जो है इस्लाम का, क्रिटिकली जो है वो लोग जब मुतारा करते हैं तो उनके सामने मैंने जितने भी जो है मतलब मुनाजरे या जितने भी जो है उनके डिस्कशन देखी सुनी है तो कहीं कोई भी बड़े से बड़ा तुर्रुम खां यानी मुसलमान आलिम ईसाई जो है मसीही उलमा के सामने नहीं टिक सकते। और वाकई मुझे बड़ी हैरान और बात समझ में आने वाली है, क्योंकि मुसलमानों के पास इल्म नहीं होता और वो लोग जो है दोनों तरह का इल्म रखते हैं, उनके अपने अकायद पर भी और मुसलमानों की हर किताब का वो जो है बाकायदा वो मुतारा किए हुए रहते हैं। तो नीज ये भी कि मसीह ने खुद भी अपने आप को उनके सामने एक बंदे बे अख्तियार की हैसियत से पेश किया है। अरे यार बंदे बे अख्तियार का उनको जो अख्तियार है ना, अल्लाह की इजाजत मिली उनको, वो जो है तख्लीक कर रहे हैं, वो रूह फूंक रहे हैं, वो जो है मुर्दे को जिंदा कर रहे हैं, काम बे अख्तियार है भाई, अख्तियार तो है ना, नहीं है भाई। अगर देखा जाए तो कुरान में इख्तियार तो सिर्फ ईसा इब्ने मरियम को है, किसी और को नहीं है, जो अथॉरिटी ईसा इब्ने मरियम को जो कुरान में हासिल है किसी और को नहीं है ना भाई, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। मगर अब ये जो है ये हमारे उलमा ईसा इब्ने मरियम के बारे में हमेशा एक तरह का वो रहता उनको कि कहीं मतलब हमारे नबी की के ऊपर नहीं होना चाहिए, हमारे नबी के नीचे रहना है, ये अंदाज रहता। तो अब आप देखिए कि यहाँ ये सवाल किया जा सकता है कि जो गुफ्तगू क़यामत के रोज होने वाली है उसके अंदर इस जुमले मुअतरजा का कौन सा मौका होगा। उसका जवाब यह है कि ये जुमले मुअतरजा उस गुफ्तगू से मुताल्लिक नहीं है जो क़यामत के रोज होगी, बल्कि उसकी पेशगी हिकायत से मुताल्लिक है जो इस दुनिया में की जा रही है। क़यामत की उस होने वाली गुफ्तगू का जिक्र यहाँ किया ही इसलिए जा रहा है कि मौजूदा जिंदगी में ईसाइयों को उससे सबक मिले और वो राह पास पर आ जाए। जी जनाब, क़यामत की उस होने वाली गुफ्तगु मतलब कौन सी उस होने वाली गुफ्तगु, वो जो है कौन सी गुफ्तगु है, क़यामत की गुफ्तगु जो है अभी इसमें जो आया ना ऊपर वाली आयत में कहा, वो जो है जब अल्लाह ताला पूछेगा नबियों से तमाम रसूलों से यौम यजमाउल्लाह, आयत नंबर 9 में तुम्हारे पास है, हाँ जी तमाम इल्म है, तो आयत नंबर 9 में जो बात कही है ना क़यामत की, उससे जो है फिर ईसा का जिक्र आ गया एकदम अचानक, उसके बाद ईसा के बाद जो है फिर वो जो है ईसा के हवारियों को वही देने की बात आ गई, उसके बाद फिर ईसा के हवारी ईसा से पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारा रब हमारे ऊपर आसमान से दस्तरखान उतार सकता है, ये सवाल कर दिया उन्होंने। अब भाई वाकई ये आयत यहाँ लाने का कोई तुक नहीं है, बेतुकी सी बात है, बात तो सही है, अगर कोई एतराज करेगा तो एतराज का जो है सिर्फ खाली हमारे मुसलमानों के पास झंडा तो होता है लेकिन मंतिक नहीं होती, कोई लॉजिक नहीं होता। ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये दस्तरखान वाली आयत यहाँ पर क्यों आई। अब चूंकि दस्तरखान वाली आयत आ गई बेतुके तरीके से तो उसी से एक लफ्ज लेकर इस चैप्टर का नाम जो है रख दिया गया अल माईदा। ये अजीब बात है यार। तो चलिए जनाब ये जो है हिंदी पढ़ लें जी। वो खाने यगमा की बात जो हवारियों ने किए तो बस उतने से लफ्ज पे इन्होंने सूरह माईदा रख दी। जी सूरह माईदा जो है सूरत का नाम रख दिया। क्या किया जाए। हिंदू वाले बाबा कह रहे हैं जब हवारियों ने कहा कि हे मरियम के पुत्र ईसा क्या तेरा पालनहार ये कर सकता है कि हम पर आकाश से थाल दस्तरखान उतार दे, उस ईसा ने कहा तुम अल्लाह से डरो यदि तुम वास्तव में ईमान वाले हो। यानी एक सवाल किया जाए तो सवाल का जवाब देने के बदले में ये कहना कि अल्लाह से डरो, ये कोई जवाब है हा? ये कुरान का अंदाज हर जगह से ही है। यानी कुरान में अगर किसी ने कोई मंतिक कोई लॉजिक की बात की तो उसके जवाब में अल्लाह मियां जो है डंडा ही रहता उनके पास। जिस तरह से मैंने बताया ना जब इबलीस ने कहा कि
तूने जो है उसको उस आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से पैदा किया, तो इसलिए आपकी ये टेंडेंसी नहीं है कि वो नीचे की तरफ, आपने कभी देखा कि आग नीचे की तरफ जाती है? भाई आग की टेंडेंसी है कि वो ऊपर की तरफ जाती है, तो यानी मेरी बनावट ही कुछ ऐसी है कि मैं झुक नहीं सकता। आप समझ रहे मेरी बात? आप मेरी बात समझ रहे हैं? इब्लीस का की लॉजिक देखिए आप, बिल्कुल देखें। आप जरा गौर कीजिए कि आपके पास एक सॉलिड डंडा है, ठीक है, और एक जो है पतली सी टहनी है, डाली, पतली डाली, ठीक है। अब अगर अब डाली और डंडे को यह हुक्म दिया जाए कि तू मुड़ जा, बेंड हो जा, तो डाली तो बेंड हो जाएगी, डंडा नहीं हो सकता ना भाई। डंडे की टेंडेंसी है कि वो मुड़ नहीं सकता। अब अगर बात में जो है कहने वाला, मैंने तुझे हुक्म दिया था, तू बेंड क्यों नहीं हुआ, तो वो लॉजिक दे रहा है, वो डंडा ये कह रहा है कि भाई मेरी टेंडेंसी ऐसी है कि मैं बेंड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मैं, क्योंकि तूने मुझे बनाया ही सख्त ना, तूने मुझे डंडा बनाया और उसको तूने जो है डाली बनाया। देखिए आप जरा इब्लीस की लॉजिक देखिए, आप लॉजिक देखिए कितनी टू दी पॉइंट बात की उसने। अब इसके जवाब में भाई अल्लाह मियां जो है उससे भी बड़ी लॉजिक देना चाहिए था ना। अल्लाह मियां का काम था, अल्लाह मियां का यह काम था कि इब्लीस जब एक लॉजिक पेश कर रहा है तो अल्लाह मियां उसकी लॉजिक के तोड़ में या उससे ज्यादा तगड़ी लॉजिक देते हैं। अल्लाह मियां देना चाहिए था ना, तो बजाय लॉजिक देने के अल्लाह मियां क्या कह रहे हैं, उखरुज इन्नका रजीम, तू यहां से निकल जा, निकल जा। ये बात है। अच्छा, अब आप ये भी गौर करें, जहां जहां फरिश्तों को सज्दे का हुक्म दिया गया कुरान में, जहां जहां, तो वो हुक्म फरिश्तों से है, और खास तौर पर फरिश्तों का जो है, यानी मतलब वइज़ कुल्ला लिल मलाइका, यानी मतलब फरिश्तों का नाम लेकर, फरिश्तों की जो है जो भी कम्युनिटी है या फिर जो है उनकी जो स्पीशीज है, जो भी है, फरिश्ते कैसे बने हैं, किस चीज के बने हैं, वो कुरान में तो नहीं आता, अलबत्ता कुरान के बाहर वाली जो किताबें हैं उसमें कहा गया कि फरिश्ते नूर के बने हैं, ठीक है, ये पता नहीं किसके जो भी बने हैं, लेकिन फरिश्तों को खास तौर पर यह हुक्म दिया गया कि तुम आदम को सजदा करो, ठीक है। तो ये कहते ही उसके फौरी बाद कुरान ये कहता कि इल्ला इब्लीस, वइज़ कुलना लिल मलाइकति इस्जुदू लि आदम फसजदू, तो उन सब लोगों ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस ने नहीं किया। अच्छा, सवाल यह है कि क्या इब्लीस को अल्लाह ने हुक्म दिया? नहीं। अच्छा, अब ये हुक्म किसको दिया? हुक्म जो है फरिश्तों को दिया, तो क्या इब्लीस फरिश्ता था? नहीं। जब इब्लीस फरिश्ता नहीं था तो फिर ये हुक्म फरिश्ते को नहीं, फरिश्तों को दिया गया था, जो जो है जो 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 गैर फरिश्ता है उनको हुक्म नहीं दिया गया था। देखें कुरान कितनी जगहों पर बेतुका बेढंगा साबित होता है, अजीब बात है यार। अच्छा, ये आदम और जो है और इब्लीस की बात या अल्लाह की बात कुरान में कई जगहों पर रिपीट हो रही है, इसी एक ही कहानी को जो है कुरान जो है रिपीट कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? ये फजूल सी बात, बेतुकी सी बात, इलॉजिकल बात, गैर मंतिकी बात, उसको क्यों रिपीट कर रहा है? अब है रिपीट कर रहा है, तो क्या कह रहे जनाब? यहाँ हम एंड करेंगे या जो है सजाला जी, हम यहाँ एंड करेंगे और मैं कुछ सुपर चैट लेता हूँ, और एक 5-10 मिनट आप रुकिए, थोड़ी सी एक इम्पोर्टेंट बात है, सुपर चैट ले लेता हूँ पहले। नो इस्लाम टुडे इनका सुपर चैट है, प्लीज सपोर्ट सचवाला जी। जी गुरु भाई धन्यवाद। संदीप पंजाबी जी का 449 रुपीज का सुपर चैट है, सचवाला जी प्रणाम। अब्दुल जी सचवाला जी प्रणाम, और सचवाला जी से आशीर्वाद मांग रहे हैं संदीप भाई। अच्छा ठीक है भाई, हमारी तरफ से आशीर्वाद है, आप खुश रहें हमेशा। जी जनाब बहुत शुक्रिया। वोहित सर्वपरी जी का 400 रुपीज का सुपर चैट है, सभी मॉड्स की तरफ से सलाम कबूल करें सचवाला जी, बहुत शुक्रिया। करम इनायत भाई आपका, जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया आपका। विजय सिंह जी का सुपर स्टिकर है, धन्यवाद। और प्रवीण राजपूत जी का सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर मीरा जी का $5 का सुपर चैट है, आदरणीय सचवाला जी और प्यारे अब्दुल हमीद भाई जी, नमस्ते आदाब, आपके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत इनायत करम आपका। तो अब हम यहाँ एंड करते हैं और मिलेंगे अगले स्ट्रीम में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज। अच्छा क्या